Hello, my dear children. This is Shikha Arora, and today we are going to start with class 8 science, chapter number 9, that is friction. Let's begin the chapter. The main aim of this chapter is force of friction, factors affecting friction, causes of friction, kinds of friction, a necessary evil, effects of friction, fluid friction, ways to increase and reduce friction. Now have a look on the warm up. Look at the given picture and answer the questions that follow. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक boy जो है वो skating कर रहा है. What kind of surface would you prefer for skating? तो आप बताओ, आप कैसा surface prefer करते हो skating के लिए? Skating तो ज़्यादातर बच्चे करते हैं ना? तो इसके लिए हम smooth surface जो होता है, बिल्कुल polished surface होता है, वैसा surface prefer करते हैं. Is it difficult to skate on rough surface? Why? तो rough surface पे skating करना मुश्किल होता है. क्यों होता है? वो हम इस chapter में जानेंगे. A car slows down and comes to rest when brakes are applied. तो आप जब कहीं जा रहे होते हो and you reach your destination, हम क्या करते हैं? हम brakes apply करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी car slow down हो जाती है. Slow होने के बाद वो रुक जाती है. तो ऐसा क्यों हुआ? या आपने एक बॉल ली और उसे ग्राउंड पे रोल कर दिया. थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि हमने उस बॉल को रोका भी नहीं, लेकिन वो बॉल अपने आप ग्राउंड पे रुक गई. तो ऐसा क्यों हुआ कि हमने ब्रेक अप्लाई करी तो कार रुक गई और बॉल जो थी वो भी रुक गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्राउंड ऑफर्स फ्रिक्शन. दो सर्फेसेस जब एक दूसरे के कंटैक्ट में आते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है विच ऑपोजेस द मोशन. इसी को हम बोलते हैं, दिस फोर्स विच ऑपोजेस द मोशन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. सिमिलरली अ रोलिंग बॉल स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर रोलिंग फॉर सम टाइम. द स्लोइंग डाउन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू फोर्स दैट एक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, विच इज कॉल्ड एज द ऑपोजिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. This force which opposes the motion of an object over a surface is known as friction. It opposes the relative motion between the surface of two objects in contact, thereby slowing them down or preventing the motion. It acts in the direction opposite to that of motion. तो हमेशा याद रखो कि friction का जो force है वो हमेशा opposite direction में लगेगा, in the direction of motion of, जिस भी direction में motion हो रहा होगा उसके बिल्कुल opposite direction में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल, वेन अ ब्लॉक इज पुल्ड बाय फोर्स एफ टूवर्ड्स द राइट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टूवर्ड्स लेफ्ट. तो जब हम किसी चीज को राइट की तरफ में पुश कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो लेफ्ट साइड से लगेगा. वेन द ब्लॉक इज पुल्ड बाय फोर्स एफ टूवर्ड्स द लेफ्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट टूवर्ड्स राइट. तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करता है. नाउ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्राइबोलॉजी. नाउ यू कैन सी हियर, एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन. Force of friction acts along the surface of contact. Similarly, F is the force applied on the body to produce relative motion. Force of friction acts along the surface of contact. Now, factors on which friction depends. तो friction किस किस factor पे depend करता है? सबसे पहले तो वो depend करता है nature of the surface. कि surface, जिस surface के हम contact में हैं उसका nature कैसा है. जैसे कि अगर हम स्मूथ सरफेस की बात करें तो अगर हमें कोई कहे कि एकदम बिल्कुल पॉलिश्ड फ्लोर है उसके ऊपर चलो, तो आप क्या होगा? यू विल फॉल, है ना, हम स्लिप कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन ऑफर्ड इज लेस. लेकिन वहीं अगर हम एक रफ सरफेस पे मूव करते हैं तो हम इजिली मूव कर पाएंगे, क्योंकि रफ सरफेस जो है वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है. सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट. Secondly, it depends upon the mass and weight of the object. तो कोई चीज कितनी भारी है इस चीज के ऊपर भी फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करेगा. So let us see an activity, children. To show that friction depends on nature of surface in contact, तो इसके लिए हमें क्या क्या मटीरियल चाहिए? हमें एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, ब्रिक, पॉलिश वुडन बोर्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग.
Tie one end of the string around the brick and place it on a rough surface like a carpet. तो हम उसे एक ब्रिक लेंगे और उसके ऊपर एक धागा बांधेंगे और उसे रखेंगे कारपेट के ऊपर. Tie the other end of the string to the hook of spring balance. Spring balance से हमें क्या पता चलेगा, हम कितना फोर्स उसके ऊपर लगा पा रहे हैं. Pull the spring balance to move the brick. Note down the reading of the spring balance when the brick starts to move. तो जब ब्रिक मूव करना शुरू कर देती है उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे. Now place the brick on a smooth surface. अब हम उसे एक स्मूथ सर्फेस पे रखेंगे जैसे कि पॉलिश टेबल. Like a polished wooden board and pull the spring balance to move the brick. और अब कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ है वो हम नोट कर लेंगे. तो इससे हमें क्या पता चलेगा, रीडिंग टेकन इन द फर्स्ट केस इज हायर देन इन सेकेंड केस. क्या मतलब हुआ कि रफ सर्फेस पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा एज कम्पेयर टू दैट ऑन द स्मूथ सर्फेस. Hence, it's proved that friction increases with increase in the roughness of the two surfaces in contact. जितना ज़्यादा surface rough होगा, उतना ज़्यादा friction offer होगा. See the activity two children. To show that weight of an object increase friction. तो इसके लिए भी हमें चाहिए एक spring balance, weight of 50 gram force and 100 gram force and a wooden block with a hook. तो हम क्या करेंगे, हम एक wooden block को place करेंगे smooth surface पे. Attach the spring balance to the hook and try to slide wooden block by pulling spring balance. Read and record the force shown by spring balance. अब हम क्या करेंगे, अब हम 50 ग्राम वेट को रखेंगे on the wooden block and repeat the same activity. Read and record the force of friction. और यही activity फिर हम 100 ग्राम force के साथ भी रखेंगे और 150 ग्राम force के साथ भी करके देखेंगे और इसमें record करेंगे. तो हम क्या conclusion पे पहुंचेंगे, we conclude that the weight of wooden block increases as the magnitude of frictional force increases. Kya matlab hua ki frictional force jo hai wo directly proportional hai weight of the body ke. Jitna zyada weight utna zyada friction. Have a look on track your progress children. Fill in the blank. First one says dash always opposes motion. To kya oppose karta hai, frictional force. So you will write frictional force here. Friction dash the relative motion between two bodies in contact. तो friction क्या करता है, friction oppose करता है. So you will write opposes. Friction is due to dash of two surfaces in contact. It is due to the roughness of two surfaces in contact. Cause of friction. तो children जब कोई body दूसरी body के ऊपर move करती है like we are moving on a ground. तो हम ground के ऊपर move कर रहे हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमारे मोशन को अपोज करता है. इसी वजह से हम ग्राउंड पे इजीली चल पाते हैं. फ्रिक्शन अकर्स व्हेन टू बॉडीज इन कंटैक्ट मूव और टेंड टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है कंटैक्ट में. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस सर्फेसिस reveal that all surfaces have irregularities. अगर हम microscopes के through देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने भी surfaces होते हैं उनमें irregularities होती है. तो हम क्या होता है कि जब एक चीज़ दूसरे के ऊपर move कर रही है तो उसकी irregularities के अंदर जाके फंस जाती है, interlock हो जाती है, जिसकी वजह से motion oppose होता है. लेकिन जब हम ज़्यादा force apply करते हैं तो ये irregularities को हम overcome कर लेते हैं, इसी वजह से हम आगे move कर पाते हैं. When two surfaces slide over each other, these irregularities interlock, opposing the motion between the surface in contact and give rise to friction. Thus, the force of friction is essentially caused by the interlocking of irregularities between the two surfaces in contact. When sufficient force is applied, these interlocks break, allowing the body to move. Now, kinds of friction. Children, there are three kinds of friction. One is called as static friction, one is called sliding friction, and one is called as rolling friction. तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं. First is static friction. तो friction क्या होता है, ये एक self-adjusting force है जो हमें adjust नहीं करना पड़ता. It get adjust according to the surface and also according to the weight of a object. As the applied force is gradually increased, the force of friction also increases at same rate and keeps the body stationary. अब आप सोचो कि एक गाड़ी है, वो ग्राउंड पे खड़ी हुई है, ठीक है?
तो वो ग्राउंड से मूव नहीं कर रही, वो स्टेशनरी है, जबकि उस गाड़ी के अंदर वेट भी है, फोर्स भी क्रिएट हो रहा है ना, तो वो चीज़ उसको मूव नहीं कर पा रही। क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही लग रहा है जितना उसका वेट है, इसीलिए बॉडी स्टेशनरी है। लेकिन जैसे ही बॉडी को हम धक्का देते हैं या हम उसको स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, और गाड़ी मोशन में आ जाती है, तो एट दैट टाइम फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन जब हमारी बॉडी बस जो स्टार्ट होने लगता है उसका मोशन, एट दैट टाइम द फ्रिक्शन इज सेड टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन। As the applied force gradually increases, the force of friction also increases at the same rate, keeping the body stationary. This force is called as static friction. If the applied force is increased further, a point is reached when body begins to move. At this stage, the force of static friction is maximum. तो जैसे ही बस उसका motion शुरू होने लगता है, उस समय force of friction जो है वो maximum हो जाता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, limiting friction या limiting value of static friction. At this stage, the force of static friction is at its maximum. The maximum force just before the body starts to move is called the limiting value of static friction or limiting friction. तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी बॉडी जो स्टेशनरी है वो क्यों स्टेशनरी है? बिकॉज ऑफ इट्स वेट, एंड ऑल्सो क्योंकि उसके ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है? When two surfaces in contact begin to slide over each other, जब कोई दो surfaces एक दूसरे के ऊपर slide करते हैं, तो जो friction force generate होता है, उसे हम बोलते हैं sliding और kinetic friction. The force of friction between two surfaces in contact when one slides over the other is called as sliding friction. Sliding friction की वजह से क्या हो रहा है कि body जो है वो move कर रही है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन इज लेस देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, देयरफॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, चिल्ड्रन जब कोई चीज एक सरफेस के ऊपर रोल करती है तो जो ऑपोजिंग फोर्स जेनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। सो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अकर्स बिटवीन टू सर्फेसिस इन कंटैक्ट व्हेन वन इज इन अ रोलिंग मोशन ओवर द अदर इज रेफर्ड टू एज रोलिंग फ्रिक्शन। An example of rolling friction is resistance experienced by a ball rolling on the floor. तो अगर आप कोई बॉल रोल करते हो तो थोड़े टाइम उसको मूव करती रहती है, उसके बाद जाके रुकती है। वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर रहा है उसके ऊपर वो कम है। Rolling friction is considerably less than the sliding friction. That is why vehicles are equipped with wheels and ball bearings are employed in machines that involve rotatory motion. तो rolling friction को ही कम करने के लिए हम ball bearings का इस्तेमाल करते हैं या wheels का, और हमें time to time machine parts को lubricate भी करना पड़ता है इसी वजह से, क्योंकि उनके बीच में friction generate होने लगता है। तो कोई चीज़ roll कर रही है वो easily roll कब करेगी? जब surface smooth होगा, है ना। तो हम friction को reduce करते हैं by providing ball bearings and wheels. In a ball bearing system, the axle rotates on the ball without sliding, contributing to reduced friction and smoother motion. Now, look at an activity, children. To find out static friction, sliding friction and rolling friction, a wooden block provided with hook, spring balance, four pencils and a table is required for this activity. Take a wooden block provided with a hook and place it on a table top. तो आप एक wooden block लोगे और उसको table पे रख दोगे जिसके अंदर एक hook लगा है। इस hook से हम attach करेंगे अपना spring balance. Attach a spring balance to the hook. Read and record the zero error of the spring balance. Apply a small force on the block by pulling the spring balance. आप अपनी तरफ ब्लॉक को खींचने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक को मूव करने में।
The wooden block remains at rest because frictional force equal but opposite to is applied comes into action between the surface. तो सबसे पहले तो wooden block move नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको एक force oppose कर रहा है. उस force का नाम क्या है? Static friction. Increase the force slightly, और जैसे ही हम थोड़ा सा force और बढ़ाएंगे तो it will start sliding. You will notice that the block does not move, but the spring balance record a higher magnitude of applied force. This indicates that force of friction has increased to balance the pulling force on the block. This situation is self-adjusting. If the pulling force is increased further, at certain point the block begins to move on the table. At this stage, the spring balance will register a maximum applied force, which is called as static friction. The force required to overcome friction at any instant of an object start moving from rest is the measure of static friction. Friction a necessary evil. Children, friction जो है हमारी जिंदगी में बहुत important part play करता है. ये हमारी जिंदगी में जितना ज़रूरी है उतना ही disadvantageous भी है. So हम यहाँ पर friction के advantages and disadvantages जो हैं वो discuss करेंगे. Many of our everyday tasks rely on friction. However, along with its benefit, friction also has some negative effects like causing wear and tear, leading to wastage of energy and money. So, let's discuss the advantages and disadvantages of friction. तो सबसे पहले अगर हम बात करें advantages of friction, तो friction ही वो है जिसकी वजह से हम ground पे walk कर पाते हैं. हमारे feet जो है, जब हम ground पे चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम ground को push करते हैं. तो ग्राउंड हमारे ऊपर आगे की तरफ को फोर्स लगाता है, मतलब ऑपोजिंग फोर्स होता है. इसी वजह से हम फ्रिक्शन की वजह से ही ग्राउंड पे चल पाते हैं. और अगर हमारा फ्लोर वेट होता है तो हम स्लिप कर जाते हैं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. फ्रिक्शन बिटवीन आवर फुट एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक, रन एंड प्ले. Without friction, we would slip and fall. It is difficult to walk on a highly polished surface as it offers less friction. There is friction between treaded tires of vehicles and the road. तो अगर आपने wheels को देखा होगा vehicles के, जो आपकी car है या आपका scooter है उसके wheels को देखो या truck के wheels को देखो, तो उनके tires कैसे होते हैं? They are treaded. उनके बीच में grooves present होते हैं. ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इंटरलॉकिंग कर सके विद द इरेगुलरिटीज ऑफ द रोड, है ना. तभी तो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज होगा और हमारा व्हीकल जो है वो स्किड नहीं करेगा, स्लिप नहीं होगा. विच हेल्प्स देम टू मूव विदाउट स्किडिंग. व्हीकल्स कैन इजिली स्किड ऑन ग्रीसी और वेट रोड्स ड्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन और लेस फ्रिक्शन. Friction between the brake shoe and the wheel help us to brake when brakes are applied, और वो vehicle को हमारे slow down करने में help करता है. तो जो brakes होती हैं और wheels के बीच में जो हम जब brake apply करते हैं तो wheels क्या होते हैं? Wheels के ऊपर एक force लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा vehicle जो है वो slow हो जाता है और ultimately रुक जाता है. फ्रिक्शन एड्स इन लाइटिंग अ मैच स्टिक. जब आप एक मैच स्टिक जलाते हो तो भी उसके ऊपर फ्रिक्शन ही काम करता है जिसकी वजह से द मैच स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग. टाइंग अ नॉट, हैमरिंग अ नेल ऑन द वॉल, सीविंग क्लोथ्स एंड सिटिंग ऑन अ चेयर, ये सारे हम कब काम कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. चिल्ड्रन मेक अ करेक्शन, वी आर एबल टू राइट. We are able to write because the friction between pen and paper. Can you write on a smooth surface like plastic or glass? नहीं, हम plastic और glass पे लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे roughness नहीं है. Paper और pen में अगर आप paper को हाथ लगा के देखो तो it is slightly rough. इसीलिए pencil उसके ऊपर easily काम कर पाती है. Have a look on Clickipedia children. Friction can never be reduced to zero. Friction कभी भी zero नहीं हो सकता. Disadvantages of friction. आपने देखा है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हम क्या होता है, हमारी चप्पल घिस जाती है या फिर हमारे शूज जो हैं वो घिस जाते हैं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम ग्राउंड पे चल रहे हैं तो ग्राउंड हम पे एक ऑपोजिंग फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, रगड़ लगती है. रगड़ की वजह से हमारे शूज में वियर एंड टियर हो जाता है जिसकी वजह से हमारे जूते जो हैं, हमारे स्लीपर्स जो हैं वो घिस जाते हैं. Friction causes wear and tear of surface over time.
इट रिजल्ट्स इन वियरिंग आउट ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन. ऐसा ही मशीन्स के साथ भी होता है. तो मशीन्स क्या होता है, वर्क करना, उनकी जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. जैसे कि आप दरवाजे को ही देखो, अगर हम दरवाजे को बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं तो उसमें से भी आवाज़ आने लगती है. फिर मम्मी क्या करती हैं, मम्मी उसको ऑयल कर देती हैं और फिर वहाँ से आवाज़ आनी बंद हो जाती है. सिमिलरली जब मूविंग पार्ट्स के बीच में से भी आवाज़ आने लगे, दैट मीन्स उनमें वियर एंड टीयर होने लगता है, तो हम उनको लुब्रिकेट करते हैं. टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड इवन द सोल्स ऑफ आवर फुटवेयर. What happens when you rub your hands together for some time? तो आप ये काम करके देखो, rub your hands together और उसके बाद उसे अपने फेस पे लगा के देखो क्या हुआ, दोनों हाथ हमारे गर्म हो गए. That means friction की वजह से क्या होता है, heat produce होती है. You will feel warmth in your hands when you place them on your cheek. This shows के friction की वजह से क्या होता है, heat produce होती है. इसीलिए जब हम मशीन के पार्ट्स को यूज़ करते रहते हैं उनके बीच में भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मशीन पार्ट्स में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, इसीलिए वो डैमेज हो सकते हैं और उन्हें हमें रिप्लेस करना पड़ता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रोटेटिंग मशीन्स नीड पीरियोडिक रिप्लेसमेंट एज दे गेट डैमेज ओवर टाइम ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन. एडिशनल Provision for constant cooling of such parts in large machine must be arranged, increasing maintenance cost. तो इससे क्या हो रहा है, हमारे मशीन के पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं और अगर हमें उनको कूल करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी प्लस मनी स्पेंड करना पड़ेगा. Friction leads to energy wastage. Therefore, extra money is spent on heavy machines to overcome this friction and conserve energy. Now, children, effects of friction. Friction की वजह से क्या क्या हो सकता है. सबसे पहली बात है कि फ्रिक्शन क्या करता है, इट अपोजेस मोशन, इट प्रिवेंट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग एंड स्लोज डाउन और स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो जैसे कोई चीज़ अगर हमारी टेबल पे रखी है, बुक अगर हमारी टेबल पे रखी है, तो वो टेबल पे ही रखी रहेगी. क्यों, क्योंकि उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बुक. और अगर हमने बॉल को रोल किया है ग्राउंड पे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि बॉल रुक जाएगी क्योंकि उसके ऊपर भी एक फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन. अगर रोलिंग फ्रिक्शन ना लगे तो बॉल तो चलती ही रहे, रोल ही होती रहे, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता. इसीलिए उस बॉल के ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन लगता है जिसकी वजह से बॉल जो है थोड़े टाइम के बाद रुक जाती है. फ्रिक्शन कॉजेज इन वियर एंड टीयर ऑफ सर्फेस इन कंटैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन बिटवीन व्हीकल टायर्स एंड रोड कॉजेज टायर्स टू वियर अवे. तो टायर भी घिस जाते हैं, है ना, हम कहते हैं टायर खराब हो गए तो हमें टायर्स को रिप्लेस करना पड़ता है. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेज हीट. इन विंटर्स वी रब आवर हैंड्स टूगेदर टू कीप देम वार्म. द हीट प्रोड्यूसेज ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज बाय रबिंग ऑफ आवर हैंड्स टूगेदर. तो ये तो हम इजीली घर पे भी करके देख सकते हैं, आप अपने हैंड्स को रब कीजिए एंड यू विल फील दैट हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. जब हमने दो सर्फेसेस को कॉन्टैक्ट में लेकर आए और उनको हमने रब किया तो हीट इज बीइंग जनरेटेड. नाउ चिल्ड्रन, वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन. अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्फेसेस, मतलब दो सॉलिड सब्सटेंसेस थे, वो दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, इसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा है. Now fluid, what is a fluid? Fluid is anything which can move, just like gases and liquid. तो liquid और gases को combinedly हम fluid बोलते हैं. तो क्या fluids भी friction offer करते हैं? बिल्कुल करते हैं. तो when a solid moves through a liquid or gas, the surface of solid experiences friction. तो अगर कोई solid गैस में मूव कर रहा है या लिक्विड में मूव कर रहा है तो उसको भी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा. However, force of friction between solid and a liquid surface is less than between two solids. तो जो लेकिन जो friction generate होगा between solid and liquid और solid और gas वो कम होगा as compared to solid and solid objects. The force of friction between solid and a gas is even less than between a solid and a liquid. और जो friction force exert होता है by a solid in liquid or gas, it is called as drag. इसे हम क्या बुलाते हैं, इसे हम बताते हैं drag. The frictional force depends on the object in a fluid depends. किसके ऊपर depend कर रहा है, सबसे पहले ये depend करेगा speed with respect to the fluid. कितनी speed से object move कर रहा है fluid में.
दूसरा इट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड. जो हमारा मोस्ट कॉमन फ्लूइड अगर गैसेस में बात करें तो वो है हमारी एयर, और लिक्विड में बात करें तो वो है वाटर. टू मिनिमाइज फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर द मूविंग बॉडी शुड हैव स्टीम लाइन शेप. इसीलिए अगर आप देखो कि जो मरीन एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस, फिशेस की बॉडी कैसी होती है, स्टीम लाइंड होती है. क्यों होती है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन सो दैट दे कैन इजिली मूव इनसाइड द वॉटर. अगर हमें बोट भी लेकर, बोट है हमारी, शिप है, अगर उसकी भी शेप आप बात करो तो उनकी शेप कैसी होती है, बिल्कुल फिश जैसी होती है. फिश की शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप. तो ऐसा हम इसीलिए करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड्स. टू मिनिमाइज फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड एयर द मूविंग बॉडी शुड हैव अ स्ट्रीम लाइन शेप. द सिमेट्रिकल शेप ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट दैट ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन शेप. दिस इज ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. बॉडीज ऑफ शिप, बोट, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स कैसी बनाई जाती हैं? स्ट्रीम लाइन बनाई जाती हैं. क्यों बनाई जाती हैं? ताकि वो लेस फ्रिक्शन ऑफर कर सके. टू मिनिमाइज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द मीडियम व्हेन दे ट्रैवल थ्रू द बॉडी ऑफ फिश इज ऑल्सो स्ट्रीम लाइन. जो मीटियोर्स एंटर करते हैं अर्थ सरफेस में, अर्थ एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो आप देखो वो कितनी स्पीड में होते हैं. हाई स्पीड में मीटियोर्स जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं. इतनी हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा अमाउंट से हीट प्रोड्यूस होती है. इसीलिए जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ज़्यादातर मीटियोर्स जो है वो बर्न कर जाते हैं. At such high speed, the friction due to air is significant, causing the temperature of meteors to rise to a very high level. अभी आपने सिर्फ अपने दोनों हाथों को रब किया था तो इससे भी हीट जनरेट हो रही है. तो आप सोचो कि कितनी तेज स्पीड में मीटियोर जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है. तो इतनी स्पीड पे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, इसी वजह से मीटियोर जो है वो जल जाते हैं. To protect spaceship from burning during entry into Earth atmosphere, they are equipped with heat shield. तो आप देख सकते हो एरोप्लेन की शेप हो, बोट की शेप हो, या इवन डॉल्फिन की शेप हो, ये कैसी होती हैं? ये सारी स्ट्रीमलाइंड होती हैं जस्ट टू मिनिमाइज द ड्रैग. नाउ चिल्ड्रन, देयर आर वेरियस वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. भाई हमने बात करी कि फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी ईवल है, ज़रूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ग्राउंड पे चल नहीं पाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा टायर और रोड के बीच में तो व्हीकल स्किड कर जाएंगे. तो अगर आपने व्हीकल्स के टायर्स देखे हों तो उनके बीच में ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं. दीज ट्रेड्स क्या करते हैं, ये इरेगुलरिटीज में जाके इंटरलॉक हो जाते हैं ताकि इनके मोशन को अपोज किया जा सके और ये जो हैं ईजिली रोड पे मूव कर सके. टायर्स ऑफ व्हीकल्स सच एज मोटरबाइक्स, कार्स, बसेस एंड ट्रक्स हैव डीप ग्रूव्स कॉल्ड ट्रेड्स. दीज ट्रेड्स इंक्रीज फ्रिक्शन. ये क्या काम कर रहे हैं, ये फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं बिटवीन द टायर एंड द रोड, प्रोवाइडिंग बेटर ग्रिप ऑन द रोड. तो ये इजिली इंटरलॉकिंग प्रोवाइड कर सकता है. दिस प्रिवेंट्स द टायर्स फ्रॉम स्किडिंग. ट्रेड्स ऑल्सो एनहेंस द ब्रेकिंग एबिलिटी ऑफ अ व्हीकल. वेट लिफ्टर्स अप्लाई सम पाउडर ऑन देयर हैंड्स बिफोर लिफ्टिंग वेट. तो वो ऐसा क्यों कर रहे करते हैं, क्योंकि जो ये वेट की रॉड है ये बहुत कैसी है, स्मूथ है. तो वो अपने हाथ पे पाउडर डस्ट कर लेते हैं ताकि सरफेस और उनके बीच में जो कंटैक्ट है वो रफ हो जाए, है ना, और फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए. एथलीट्स एंड माउंटेनियर्स हैव स्पाइक्स ऑन देयर सोल्स ऑफ देयर शूज. दिस इंक्रीज फ्रिक्शन. तो अगर आपने एथलीट्स के जूते देखे हों तो उनके बीच में क्या होता है कि जो उनके सोल्स होते हैं उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं. ऐसा क्यों होता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ताकि उनके ग्राउंड के ऊपर बेटर ग्रिप मिल सके. व्हेन अ ग्राउंड और सरफेस बिकम स्लिपरी आफ्टर रेन, सैंड इज स्प्रेड ओवर इट टू इंक्रीज फ्रिक्शन. ग्राइंडिंग स्टोन यूज्ड इन किचन हैव रफ सरफेस. तो अब हमने क्या बात करी, हमें इससे क्या पता चला कि जितना सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन वो ऑफर करेगा, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फ्रिक्शन फॉर ग्राइंडिंग पर्पस.
Handles of cricket bats and bicycles are covered with rubber grip to ensure a firm grip and increase friction. Screw provide more friction compared to nail. क्यों? क्योंकि screw में अगर आप देखो तो उसमें grooves present होते हैं, वो surface को rough कर देते हैं, और वहीं अगर हम nail की बात करें उसका surface बहुत smooth होता है, तो जो screw है वो ज़्यादा friction offer करेगा as compared to a nail. As they have treads around them to achieve a proper grip. Tile used on floor of bathroom. जो bathroom की जो tiles हैं उनको इस तरीके से design किया जाता है कि उसमें small grooves हों, वो हल्की सी rough रहें. This design increases friction between the wet floor and our foot and protect us from slipping. Reducing friction. तो children अब जैसे friction हमने बात करी कि friction की वजह से wear and tear होता है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, फ्रिक्शन की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, इसीलिए हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना भी ज़रूरी है. तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज पॉलिशिंग. आप सरफेस को पॉलिश कर दो. हमने बात करी है कि जो स्मूथ सर्फेस होते हैं वो लेस फ्रिक्शन ऑफर करते हैं एज कम्पेयर टू रफ सर्फेस. तो आप सर्फेस को अगर पॉलिश कर देते हो, उसको स्मूथ बना देते हो, तो फ्रिक्शन अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा. लुब्रिकेशन. लुब्रिकेशन की भी बात वही है भाई, पॉलिशिंग में भी आपने पॉलिश लगाया था, लुब्रिकेटिंग लुब्रिकेशन में हम किसी ऑयल का यूज करेंगे ओवर आवर मशीन पार्ट्स. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय लुब्रिकेटिंग द सर्फेस इन कंटैक्ट सब्सटेंसेज लाइक ऑयल, ग्रीस, पाउडर ग्रेफाइट नोन एज लुब्रिकेंट्स फॉर्म अ थिन लेयर बिटवीन टू सर्फेसिस इन डिप्रेशन एंड इरेगुलरिटीज. तो ये क्या करते हैं, ये ऑयल है या ग्रीस है, ये इरेगुलरिटीज के बीच में भर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्फेस कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है. दिस रिड्यूसेज द अनइवननेस ऑफ द सर्फेस एंड कॉन्सिक्वेंटली द फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि स्ट्राइकर ईजिली मूव कर पाए बिटवीन इट्स सर्फेस एंड द स्ट्राइकर. स्ट्रीमलाइनिंग, अगर हम बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर दें तो भी इट इज़ अ बेस्ट वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन. व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ लिक्विड और गैस इट एक्सपीरियंसेस ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इज मिनिमम व्हेन द बॉडी हैज़ स्ट्रीमलाइन शेप दैट इज नैरो एट द फ्रंट एंड ब्रॉड एट द बैक. बर्ड्स हैं, बर्ड्स को मूव करना है, आपने बर्ड्स की शेप देखी होगी, आपने फिशेस की शेप देखी होगी, इन सब की शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन. ये सिर्फ इसीलिए होती है ताकि दे कैन मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन. द शेप ऑफ बोट्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स आर स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस फ्रिक्शन यूजिंग रोलर्स और बॉल बियरिंग. सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज वीकर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन we convert sliding friction into rolling friction by fitting wheels on vehicles and luggage trolleys. तो जो हमारी luggage की trolleys होती हैं, आजकल आपने देखा होगा उनमें wheels लगे होते हैं, तो क्यों लगे होते हैं, कि sliding friction को हम rolling friction में change कर दें, और rolling friction तो वैसे भी कम होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, friction reduce हो जाएगा, हम easily अपने luggage को खींच के ले जा पाएंगे. फ्रिक्शन इन मशीन्स कैन ऑल्सो भी डिक्रीज बाई यूजिंग बॉल बियरिंग्स. तो बॉल बियरिंग की वजह से भी हम अपने मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. ऑल दो मैनी मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए वियर एंड टीयर, लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा ही होगा. हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन, फिल इन द ब्लैंक्स. Grooves on tires. Grooves क्यों present होते हैं tires में, बताओ जल्दी से. To increase friction. Grooves are present just to increase the friction. Lubricants dash friction. Lubricants क्या करते हैं, They reduce the friction. Sliding friction is dash than static friction. तो आप बताओ, static friction जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. हैव अ लुक ऑन कीवर्ड्स चिल्ड्रन. फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन मूव्स ओवर द अनदर. स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कंटैक्ट
when they are not in motion with respect to each other. Sliding friction, the frictional force that exists between surfaces of two objects when one slides over the another. Rolling friction, the frictional force that exists between the surface of two objects when one rolls over the another. Fluid friction or drag, the force of friction exerted by fluids. Fluids ka matlab kya hota hai? Gases and liquids. On all objects moving through them. Now, let's start with the exercise. Have a look on review zone. First question is, tick the correct option. Which of the following is our advantages of friction? So, friction se hum walk kar sakte hain, light kar sakte hain, ek matchstick ko writing bhi kar sakte hain. So, isme answer aayega all of these. Which of the following is correct about friction? It cannot stop a moving object. Smooth surface offer more friction. It always acts in direction opposite to motion. So, isme correct baat yahi hai. So, C is your correct answer. Which of the following acts on stationary object? So, stationary object pe hamesha static friction kaam karta hai. See question number 4 children. Which of the following is not a way of reducing friction? So, iska answer hai sprinkling powder. Why do we slip when the floor is wet? Jab floor wet ho jata hai, to kya ho jata hai? Friction jo hai decrease ho jata hai between floor and our feet. To isme aap B wala mark karenge. Have a look on fill in the blanks children. A frictional force is an example of contact force. Do surfaces contact mein aate hain. Friction depends on the nature of surface. Kaisa surface hai hamara, rough hai ya smooth hai. Sprinkling of powder on carom board. Ye kya karta hai? Ye karta hai reduces the friction. Sliding friction is less than the static friction. Friction causes wear and tear. So, hum isme likhenge wear and tear of moving machine parts. State whether the following statements are true or false. Oil and grease are commonly used as lubricants. It is 100% true. Ball bearings are used to reduce friction. Again, it is true. Rough surface offer less friction. Nahi, rough surface zyada friction offer karte hain. So, this is false. Friction can occur only between two solid surfaces. Nahi, aisa nahi hai. Solid ke beech mein bhi ho sakta hai. Solid, liquid ke beech mein bhi friction ho sakta hai. Solid and gas ke beech mein bhi friction ho sakta hai. So, this statement is false. Liquid exerts greater friction on solid than other solids. Ye bhi baat hamari galat hai. Kyunki solid ke beech mein jo friction hota hai, wo zyada hota hai as compared to solid liquid or solid gas. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.